नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह। और G20 जिसका अभी समापन हुआ है और पूरी दुनिया में एक तरीके से जो भारत के प्रति जो है दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आया है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे शुभम संदेश के सलाहकार संपादक राजेंद्र तिवारी सर। सर स्वागत है आपका लाइव लगातार में। और अभी G20 जो 2 दिवसीय आयोजन था समाप्त हो गया है और अब वो ब्राजील के लिए अब अगली बार होगा। अगर इस पूरे आयोजन को देखें तो जिस तरीके से भव्य आयोजन हुआ, पूरे विश्व के नेतागण आए, 20 कंट्री के तो थे, इसके अलावा भी और कई देशों से भी लोग आए थे। और इस आयोजन को ओवरऑल आप किस रूप से देखते हैं, इसका समापन हो गया इस पूरे आयोजन? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि विश्व के नेतागण आए तो G20 है तो आते ही हैं उसमें, और दूसरे स्पेशल इन्वाइटी भी होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस G20 समिट से भारत का कद बहुत बढ़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बहुत बढ़ गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे ये माना जा सकता है कि भारत इन सारे बड़े देशों के बीच में अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा जी। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जिस पर बहुत आशंका जताई जा रही थी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाएगा, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया और 100%। और हाँ, वही ज्वाइंट स्टेटमेंट पूरी तरह से मतलब आम सहमति से आया। इससे पहले वाले में या इससे पहले जितनी बैठकें अपने देश में हुई थी अलग अलग शहर रांची में भी, तो उनमें कभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था, तो इसलिए यह आशंका बहुत ज़्यादा जताई जा रही थी। और चीन खासतौर पर परेशानी कर रहा था और ये लग रहा था कि उसके चलते नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारे जो डिप्लोमेटिक टीम थी, डिप्लोमेट्स की अमिताभ कांत साहब और सब लोग जी, इन लोगों ने बहुत सलीके से चीज़ों को ड्राफ्ट किया और उस पर सबकी सहमति लेने में कामयाबी मिली। चलिए, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चीज हुई और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देगा, भारत के बढ़े हुए कद का प्रभाव भी दिखाई देगा और उसका प्रभाव हम सबके जीवन पे भी कहीं ना कहीं पड़ेगा जी। बिल्कुल, जिस तरीके से कॉरिडोर के प्रस्ताव पर सहमति बनी यूरोप और एशिया, जो एक तरीके से माना जा रहा है कि इससे व्यापार बढ़ेगा, जो लोगों का जो आवागमन है वो होगा, ओवरऑल भारत के लिए अगर हम माने तो ये कितना फायदेमंद हुआ? दृष्टिकोण तो बदला ही, आयोजन भव्य हुआ ही है, लेकिन जो आर्थिक रूप से अगर हम देखें या फिर व्यापारिक रूप से देखें तो वो कितना फायदेमंद भारत के लिए होगा? नहीं, देखिए, जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इससे तो मैं आईवास मानता हूँ, ये कोई ऐसी खास चीज नहीं है। दरअसल ये कोशिश की गई है कि जो चीन का वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन आप इसमें देखिए कि मुंबई से गल्फ तक समुद्र मार्ग तो है ही, उसमें कुछ बनाना नहीं है। फिर वहाँ पर रेल लाइन बनेगी, फिर आगे समुद्र मार्ग, फिर रेल मार्ग, फिर इस तरह से चीज़ें हैं। और उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, कौन पैसा देगा, कहाँ से आएगा। तो मैं इसे ठीक है एक अच्छा इनिशिएटिव, और ये नया इनिशिएटिव नहीं है, ये अमेरिका लगातार इसकी कोशिश कर रहा है कई सालों से कि इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो। और व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो पुराना प्रपोजल एक पड़ा हुआ है वहाँ पर कि वो इस तरह का एक कॉरिडोर चाहते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन मैं इसे आईवास से ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें हैं जो जिनमें क्लैरिटी नहीं है। G20 तो इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं। अब जहां जहां जो कंस्ट्रक्शन होने, जैसे रेल लाइन बिछनी है, रोड बननी है, उन सब में उस देश पर निर्भर करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। अभी तक तो ये लग रहा है क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है कि किस एजेंसी के जरिए होगा, पैसा कहां से आएगा। और जब तक पैसा क्लियर नहीं है, एजेंसी क्लियर नहीं है, तब तक तो ठीक है, गल्फ अपना रेल बनाएगा तो बनाएगा। चीन का नहीं आना इस पूरे आयोजन में, अपने आप को चीन ने दूर रखा, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जैसे चीन को ऐसा लग रहा था, जैसे आपने भी कहा कि शायद यह आयोजन उतना सफल नहीं हो पाएगा, तो चीन के नहीं आने को क्या एक दूसरे तरीके से आप देख रहे हैं कि जो दुनिया में जो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण जो होता है देशों का, उसमें चीन अब थोड़ा अलग थलग पड़ रहा है, या किस रूप से आप देखते हैं? नहीं, ध्रुवीकरण की बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन अलग थलग पड़ रहा है इसको अभी भी नहीं मानता हूँ।
क्योंकि चीन इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो गया है और सामरिक महाशक्ति भी है। ऐसा नहीं, अमेरिका के बाद आप अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तब भी, आप ट्रेड में देखें अगर दुनिया के, हमारे देश से इतने खराब संबंध रहते हैं उसके बावजूद हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम वहां से करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत थोड़ा है, हम इंपोर्ट करते हैं वहां से, और हमारा जितना एक्सपोर्ट है वो बहुत कुछ निर्भर करता है चाइनीज इंपोर्ट पर। मोबाइल में हम कहते हैं कि हम दूसरे नंबर पर हैं, तो अगर चाइना से इंपोर्ट बंद हो जाए तो मोबाइल की जो दूसरे नंबर पर है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके अलावा आप ड्रग्स में जो हमारी ड्रग कंपनीज हैं, दवा कंपनीज हैं, उनका जो कच्चा माल है वो वहां से आता है, इलेक्ट्रिक आइटम, हाँ बहुत सारी चीजें जिन पर हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पर। अभी जो दिवाली आ रहा है उसमें झालर और सारी जो आती है वो तो बहुत छोटी चीजें हैं, मैं तो बड़ी बड़ी चीजें कह रहा हूँ, उन सब पे बहुत डिपेंडेंसी अपनी। दवा इंडस्ट्री हमारी दुनिया में मानी जाती है लेकिन उसका कच्चा माल चीन से आता है, अगर वो कच्चा माल आना बंद हो जाए तो भी। अभी आपको बताया उसने शरारत करते हुए जब G20 चल रहा था तो चीन के मीडिया ने एक डेटा ट्वीट किया और उसने बताया कि भारत के साथ हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, $100 बिलियन से ज्यादा था, और ये बताया कि हम कितना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं भारत को, तो एक शरारत थी मजबूत है। इसी दौरान इस तरह खबरें भी आई कि अरुणाचल में उन्होंने एक्टिविटी बढ़ा दी है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है अपना उस पे चाइना ने एक्टिविटी बढ़ा दी है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है सब चीजें। फिर भी चाइना के नहीं आने का क्या लगता है कि जो असर जो है G20 की मैं बात कर रहा हूँ, G20 में क्या? देखिए चाइना आता तो इसका असर और ज्यादा होता, क्योंकि चाइना जैसा अभी बात हुई कि दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, सामरिक महाशक्ति है, तो चाइना रहता और रहते हुए प्रस्ताव पारित होता, ज्वाइंट स्टेटमेंट आता, ज्वाइंट कंपनी का आता तो और अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नहीं आने से कोई उसके नहीं आने का कोई ऐसा निगेटिव असर पड़ा हो, ये नहीं लगता है मुझे। सर एक और विवाद आया इसमें जो कि इस आयोजन से पहले से ही था लेकिन इस आयोजन में वो चीज नजर आई, इंडिया बनाम भारत। अमूमन ऐसे मौकों पर जो नेम प्लेट जो रहता है उसमें इंडिया का ही जिक्र होता है, पहली बार भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो लिखा हुआ था उसमें भारत, इंडिया के बजाय भारत लिखा हुआ था। इससे पहले निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र हुआ, जैसे कि पूरे देश में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे तो ये फालतू का विवाद लग रहा है क्योंकि हमारे देश का नाम इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और दोनों नाम हम जब हिंदी में बोलते हैं तो हम अपने को भारतीय कहते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, भारत पर हमें गर्व है, भारतीय होने पर गर्व है, ये सब चीजें, और हमारे जो बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियां उनके नाम देखिए आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, तो बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जिनमें ये कभी विवाद नहीं हुआ कि भाई, और हिंदुस्तान नाम भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, तो कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जो मौजूदा सरकार है शायद उसके नैरेटिव में कहीं है उसे फायदा पहुंचाता है जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, जिसके चलते इसे विवाद की तरह खड़ा किया जा रहा है, ये खड़ा नहीं होना चाहिए। G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को लाना, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं जो नैरेटिव जो पेश करना है, क्या वो सही है? केवल इतना ही नहीं हुआ है, वहां पर एक पुस्तिका बांटी गई है 42 पेज या 38 पेज याद नहीं, उस पुस्तिका में भारत की कहानी भी बताई गई है और कैसे महाभारत काल और रामायण काल और उसके बाद कैसे कैसे भारत का नाम कहाँ से आया है। अब उस पर विवाद हो सकता है, उस पर आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि वो सही है या वो सिर्फ माइथोलॉजिकल बातें हैं, हिस्ट्री नहीं है वो, ये सब इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये काम वहाँ पर किया है और इसमें बहुत इसका टारगेट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है,
आने वाले चुनाव 24 और इसमें एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से राजनीति रहती है तो उस राजनीति में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश दरअसल जब से विपक्षी गठबंधन बना है उसके बाद से इसके हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचना शुरू किया या मोदी जी ने सोचना शुरू किया कि कैसे इसकी काट कैसे निकाले नाम की, तो उसी सिलसिले में उसी क्रम में सब चीजें हैं। लेकिन ये दुखद है, इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। जी सर, अब अगले साल के लिए G21 कहा जाएगा क्योंकि अफ्रीकन समूह भी जो है इसमें शामिल हो गया, ये भी भारत की उपलब्धि कही जाएगी जिस तरीके से जो अफ्रीकन देश अब तक नहीं शामिल हो पाए थे तो भारत के खाते में ये जाएगा। अब ब्राजील में अगले साल ये आयोजन होना है, क्या संभावनाएं देखते हैं इसके मुकाबले? देखिए, ब्राजील के जो लूला साहब हैं जिन्होंने उन्होंने तो घोषित कर दिया क्या संभावनाएं, तो अब तक इस साल जिस तरह से G20 चला, G21 की अब प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन होगी, ये उन्होंने बोल दिया। तो अब अभी जो प्राथमिकताएं थी उनसे तो बिल्कुल बदल गया मामला। लूला साहब जो हैं वो थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, तो चीजें बदलेंगी, अब जो प्राथमिकताएं अभी थी वो अब बाद में नहीं रहेंगी। दूसरी बात जो आपने कहा अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने का, उसमें उसमें दरअसल चीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चीन यहाँ मौजूद नहीं था लेकिन चीन की कोशिश थी ये कि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो। इसमें शामिल होने से चीन का जो दबदबा है इस ग्रुप के अंदर वो बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि उसने अफ्रीका में बहुत काम किया। वेस्ट का क्या रहा, अफ्रीका में रोल क्या रहा है कि वेस्ट की कॉलोनी रही अफ्रीका, यूरोप की खासतौर पे, और उन्होंने आजादी देने के बाद भी जो शर्तें आजादी देने की रखी हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से उनका शोषण करने की ही नहीं कि आपके मिनरल्स पे हमारा 50% कब्जा रहेगा, इस पे ये रहेगा। भारत जैसे स्वतंत्र हुआ वैसे वो लोग स्वतंत्र नहीं हुए, उनकी शर्तें बड़ी कठिन रही। तो फ्रांस ने या हॉलैंड ने या जो भी स्पेन ने, इन्हीं सबकी उधर वो है, तो फ्रांस बहुत बड़ा वहां पर कॉलोनाइजर रहा है, तो इन सबकी शर्तें बहुत ज्यादा शोषण वाली रही है। तो और अब तक जिस तरह से वेस्ट उनको ट्रीट करता रहा है उसमें ही, उस माहौल में ही चीन ने अपनी जगह वहां बनाई। एक ये बात जरूर आती है कि चीन ने वहां कर्जा दिया, कर्जे में डुबो दिया और उसके बाद एक तरह से शिकंजा कस दिया है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए ये नैरेटिव वेस्ट का है जो चीन का विरोध करता है। सच्चाई क्या है हमको नहीं पता, वहां जाकर के पता चल सकता है। हो सकता है ये सच बात हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि जो मीडिया ये बात फैला रहा है वो मीडिया चीन का विरोध करता है, तो इसलिए उसको भी इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। हमें बड़ा संतुलित और बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है जो चीजें सामने दिखाई दे रही होती हैं वैसी होती नहीं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना राजेंद्र सर ने कहा कि बहुत सारी चीजें सामने जो दिखती हैं दरअसल वो होती नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो G20 का आयोजन हुआ सफल आयोजन हुआ और जो आने वाले समय में ब्राजील में जो होना है उसमें जो गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सफलता मिले, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, सबसे बेहतर बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारी खबरों को शेयर करें। नमस्कार।